भोलेनाथ दर्शकों, प्राचीन रहस्य चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, अगर आप एस्ट्रोलॉजी, वैदिक मंत्र लाल किताब और वैदिक मंत्र यंत्र इससे संबंधित कोई भी अगर वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो के नीचे जो बेल का आइकन है इसे भी दबाएं, ताकि दोस्तों हमारे सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, एक और नए औषधीय पौधे के साथ हम आपके लिए उपस्थित है। दोस्तों, ये जो पौधा आप देख रहे हैं इसकी क्वालिटी थोड़ी बहुत कम हो सकती है, क्योंकि दोस्तों अभी बादल छाए हुए हैं आसमान में, तो इसकी वजह से हम इस जंगल में हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी क्वालिटी आपको लो देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये पौधा आयुर्वेदिक का बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही इसके तंत्र शास्त्र में भी काफ़ी लाभ बताए गए हैं। दोस्तों, इस पौधे का नाम है हिंगोट, या कई जगह पर इसे हिंगमीर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं इसके इसमें जो पत्ते हैं वह छोटे छोटे हैं, जैसे कि कपित का जो पेड़ रहता है उस कपित के पेड़ के जैसे ही इसके पत्ते हैं। और दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कपित की तरह ही कांटे भी हैं और इसमें अभी अभी फल लगे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है आयुर्वेदिक दृष्टि से, तो बहुत ही लाभकारी पौधा है, इसे तंत्र शास्त्र में भी काफ़ी लाभकारक माना गया है। तो दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार ये पौधा उष्णवीर्य है, शोथ का नाश करने वाला है, यानी कि सूजन का नाश करने वाला है, सूजन कम करने वाला है। दोस्तों, इसके जो फल रहते हैं, इसके जो फल है उसका उपयोग आयुर्वेद में जैनिक औषधि में तो किया नहीं जाता, लेकिन जो प्राचीन जो वैद्य है वे इस फल का उपयोग त्वचा पर जो मुहासे आते हैं, यानी कि जो चेहरे पर मुहासे आते हैं, उनके अनुसार यह फल मुहासों में बहुत ही लाभकारी माना जाता है। तो मुहासे के लिए इसका जो फल है उसको छाया में सुखाए और छाया में सुखाकर इसका कपड़छन पाउडर बनाकर रखे, जो कि एकदम बारीक होना चाहिए जिससे पेस्ट बनाया जा सके। तो दोस्तों, इसका जो ये प्रिय पाउडर जो है उसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर उस पेस्ट को इस पर आए हुए अपने मुहासों पर लगाने से कुछ दिनों में मुहासे जड़ से चले जाते हैं और उसका नामो निशान भी मिट जाता है। अगर मुहासों के कारण अगर ब्लैक स्पॉट बन गए हो चेहरे पर, तो वो भी उससे ठीक हो जाते हैं और चेहरा पूर्ण रूप से निर्मल बन जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग सूजन के रोगों में भी किया जाता है। जिन लोगों को वात के कारण अगर किसी जोड़ों में सूजन आ गई हो या फिर किसी भी कारण कोई भी हो, अगर शरीर पर कहीं भी सूजन आ गई हो, तो इसके लिए इसका जो फल है उसे आप छाया में सुखाकर अपने घर में सुरक्षित रखें और उसके बाद इस फल को थोड़ा सा कूटकर सरसों के तेल में मिलाए या फिर तिल के तेल में मिलाकर इससे तेल का निर्माण करें और इससे निर्मित तेल को जोड़ों के सूजन पर लगाए
या फिर अगर कोई भी शरीर का भाग अगर सूजन से ग्रस्त हो तो उस पर भी आप इस तेल को मलने से सूजन हट जाती है और इसके साथ ही दर्द में भी आराम मिलता है। दोस्तों तंत्र शास्त्र के अनुसार ये जो पेड़ है वह अपने घर में रखने से या इसका कोई भी भाग अपने घर में रखने से किसी भी तांत्रिक विद्या से बचा जा सकता है, यानी कि कोई भी तांत्रिक का प्रयोग इस घर में रखने से सफल नहीं होता है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है, जब कोई शुभ नक्षत्र हो उस समय इस पेड़ की विधिपूर्वक पूजा करें और उसके बाद इससे कहे कि हे देवता, हम आपको घर ले जा रहे हैं, हमारी मनोकामनाएं पूरी करें तथा हमें तांत्रिक विद्या से बचाए। तो दोस्तों इसके बाद इसके फल को तोड़े या फिर ये आपको जो ये शाखाएं दिख रही है ये शाखा भी आप घर ले जा सकते हैं और उसको लेकर अपने घर में सुरक्षित रखें या फिर अपने जो मेन अपना दरवाजा रहता है उस पर भी फल को किसी कपड़े में लपेट कर आप बांध सकते हैं। तो इसके कारण आपके घर में कोई भी तांत्रिक विद्या या फिर जो बाहरी बाधाएं का दोष है वो आपके घर में कभी भी नहीं आएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही लाभकारी पौधा है, आजकल ये ज़्यादा नहीं मिल रहा है, इसके कारण हमें इसे ढूंढने के लिए जंगलों में जाना पड़ रहा है ताकि इससे आप भी परिचित हो और हम जो हमारे जो पुरानी प्राचीन जो आयुर्वेदा है उसे लगभग हम भूल चुके हैं, तो इसका एक बार फिर से हम सभी को स्मरण करना चाहते हैं। और ये जो प्राचीन जड़ी बूटियां है उसका लाभ हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आप भी उठाए इस दिव्य औषधि का लाभ, आजकल तो ये जंगलों में पाई जाती है लेकिन कई जंगलों को तोड़ने के कारण ये लगभग अब दुर्लभ सी हो गई है। अगर आपको भी कहीं पर ये दिखाई दे तो इसके फल या फिर इसकी शाखाओं को अपने घर ले जाकर इसे रखें ताकि किसी भी प्रकार का तांत्रिक दोष आपके घर में नहीं आएगा। तो दोस्तों लेकिन दोस्तों इससे पहले एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, कोई भी पेड़ या कोई भी दवा ले जाने से पहले एक बार ज़रूर प्रयास करें कि पहले ऐसे जो दुर्लभ होने वाली जड़ी बूटियाँ है इसको पहले आप अपने घर में या फिर गमले में या फिर अपनी खेती में उगाने की कोशिश करें ताकि एक तो हमें इसका लाभ भी मिल सके और ये ज़्यादा दुर्लभ ना हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या फिर आपके किसी काम आया हो ये वीडियो या फिर ये जड़ी बूटी, ये बहुत ही औषधीय दिव्य पौधा है, अगर ये दिव्य पौधा भी कहीं अगर आपके काम आ गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमसे सदैव जुड़े रहने के लिए और इसी तरह के प्राचीन आयुर्वेद के रहस्य और जो एस्ट्रोलॉजी के रहस्य है इसके साथ ही लाल किताब के उपाय और जो भी प्राचीन ज्ञान है उसे आप सदैव परिचित रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करेंगे वह सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो दर्शकों फिर एक और नई वीडियो के साथ और एक और नई औषधि के साथ हम आपके लिए उपस्थित होंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।